कोरोना संकट से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं अब समाज सेवी व आरएसएस तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी मदद करने में पीछे नहीं है। सोमवार को नगर में आरएसएस एवं ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपने अपने ट्रैक्टर लेकर प्रत्येक वार्ड में सैनिटाइजर करते हुए दिखाई दिए। साथ में उप जिला अधिकारी केपीसी, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी श्री चंद, आरएसएस के तहसील प्रचारक अनुज पार्थ, नगर परिषद रूपेश शुक्ला, राधेश्याम चौहान, संजय सिंह परमार, ऋषि उपाध्याय, अजीत जुरेल, मोंटी सभासद, देवेंद्र शर्मा आदि लोगों ने सहयोग किया। सर, ये ट्रैक्टर खड़े हैं सैनिटाइज के लिए, क्या है और कहाँ जा रहे हैं? ये सैनिटाइज कर रहे हैं कस्बे के लिए, जो है शुरुआत की है यहाँ से इन्होंने। ये सब ये कहाँ का, ये यहाँ शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सैनिटाइज कराया जाएगा? हाँ, ये जो है इसका एरिया 5 किलोमीटर का है, प्रतापपुर से जो है 5 किलोमीटर जो है इसकी रेडियस है, उसमें सब जो है सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। अब ये कस्बे का यहाँ शुरुआत हो रही है, कुंडला कस्बे की। क्या ये प्रशासन द्वारा है या स्वयंसेवी संस्था द्वारा? सब चल रहा है, मिलजुमला चल रहा है सबका, प्रशासन का भी और जो है पब्लिक का भी सहयोग है। अच्छा रूपेश जी, ये बताइए अभी खेती में काम चल रहा है, ये जो ट्रैक्टर आया किस लिए आया है यहाँ पर? ये ट्रैक्टर कोरोना की महामारी को देखते हुए स्टूडेंटों को सैनिटाइज करने के लिए बुलाए गए हैं। ये सभी राज्य स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ताओं के ट्रैक्टर हैं तथा सभी स्वयंसेवी संस्थाओं ने अपने अपने ट्रैक्टर दिए हैं और टूंडला को सैनिटाइज कराने का काम किया जा रहा है। टूंडला के अलावा क्या ग्रामीणों में भी सैनिटाइज किया जाएगा? पहले चरण में पूरे टूंडला को सैनिटाइज किया जाएगा, इसके बाद गाँवों में मोहम्मदाबाद, कोटकी, पचोकरा, इन सभी गाँवों में धीरे धीरे सैनिटाइज किया जाएगा।